नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल केम क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लांट बेस्ड क्वेश्चन टोटल इस वीडियो में 20 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अभी तक इसके पहले के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, वो भी टोटल प्लांट बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है इसमें। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक रिफार्मर इज, जो कैटालिटिक रिफार्मिंग होता है उसमें हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्लेटिनम ऑन एलुमिना, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी है AlCl3, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम ऑन एलुमिना इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो रेफ्रिजरेशन होता है वो थर्मोडाइनमिक्स के किस लॉ पे बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ऑप्शन ए जीरोथ लॉ, ऑप्शन बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्शन सी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और ऑप्शन डी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर जो है रेफ्रिजरेशन वर्क करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम में बी अराउंड, जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। ऑप्शन 50, 250, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 5000। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 250 इज द राइट आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है CRU प्लांट इज डिजाइन फॉर, ऑप्शन ए है टू सेचुरेटेड द बेंजीन, ऑप्शन बी है टू इंक्रीज आर ओ एन मतलब रिसर्च ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन सी टू मिनिमाइज द सल्फर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू मिनिमाइज द सल्फर इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है द वैक्यूम मेंटेन इन वीडियो फॉर रिड्यूस्ड क्रूड इज अबाउट -10 MMH3, जो वीडियो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट होता है उसमें जो वैक्यूम मेंटेन किया जाता है वो कितना होता है, कितना MMHG होता है। तो ऑप्शन ए 1.2 MMHG, ऑप्शन बी 12 MMHG, ऑप्शन सी 120 MMHG, ऑप्शन डी 700 MMHG। तो इसका करेक्ट आंसर है 120 MMHG वीडियो का वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का वैक्यूम जो है मेंटेन किया जाता है 120 MMHG पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट विस्कोसिटी ऑफ ऑल एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी दिए गए टेम्परेचर में इनमें से किसका विस्कोसिटी सबसे कम होती है। ऑप्शन ए नेप्था, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी ल्यूबाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेप्था की जो विस्कोसिटी होती है वो सबसे कम होती है। हम देखते हैं जो डिस्टिलेशन करते हैं जो प्रोडक्ट ऊपर मिलते जाते हैं, हमको टॉप से जो प्रोडक्ट निकलते जाते हैं उनकी विस्कोसिटी सबसे कम होती है, और जितना भी नीचे जाते हैं उतना भी उसकी विस्कोसिटी जो है बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हमको नेप्था मिलता है तो उसकी विस्कोसिटी सबसे कम होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट विस्कोसिटी ऑफ ऑल, इन सब में से किसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए नेप्था, ऑप्शन बी फ्यूल ऑयल, ऑप्शन सी लाइट डीजल ऑयल, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वेंसन वाकर क्रिस्टलाइजर इज ए यूनिट,
जो स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर होता है वो किस प्रकार का क्रिस्टलाइजर है? ऑप्शन ए कंटिन्यूस है, ऑप्शन बी बैच है, ऑप्शन सी सेमी बैच है और ऑप्शन डी कूलिंग इवेपोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंटिन्यूस टाइप क्रिस्टलाइजर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ नेचुरल गैस ही, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए CH4 मेथेन, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H8, ऑप्शन डी H2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CH4 इज द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्पैच ऑफ मोटर स्प्रिट फ्रॉम गुजरात रिफाइनरी? तो ऑप्शन ए है पाइपलाइन, ऑप्शन बी रेल वैगन, ऑप्शन डी सी टैंक ट्रक, ऑप्शन डी बोथ 1 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ 1 और 2। पाइपलाइन और रेल वैगन दोनों के द्वारा हम मोटर स्पीड को डिस्पैच करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है पर्पज ऑफ डीब्यूटेनाइजर, तो डीब्यूटेनाइजर का पर्पज क्या है? ऑप्शन ए रिकवरी ऑफ ब्यूटेन, ऑप्शन बी सेपरेट LPG फ्रॉम गैसोलीन, ऑप्शन सी नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी बोथ ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेपरेट LPG फ्रॉम गैसोलीन डीब्यूटेनाइजर का पर्पज है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है व्हाट इज़ द मेजर इंड यूज ऑफ नेफ्था फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल? तो ऑप्शन ए है बिटुमिन, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी LPG। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है व्हाट इज़ द TLV ऑफ H2S गैस इन PPM? कि H2S गैस का TLV मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, H2S गैस का थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या होता है PPM में बताना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 50। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 PPM होता है H2S गैस की TLV। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है द फिक्स्ड कास्ट ऑफ ए डिस्टिलेशन कॉलम एट टोटल रिफ्लक्स रेशियो इज। कि टोटल रिफ्लक्स रेशियो के कंडीशन में फिक्स्ड कास्ट क्या होती है डिस्टिलेशन कॉलम की? ऑप्शन ए मैक्सिमम होगी, ऑप्शन बी इनफाइनाइट होगी, ऑप्शन सी मिनिमम होगी, ऑप्शन डी जीरो होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनिमम होगी फिक्स्ड कास्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है व्हाट इज़ द रिफ्लक्स रेशियो एट टोटल रिफ्लक्स? कि टोटल रिफ्लक्स के कंडीशन में रिफ्लक्स रेशियो क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इनफाइनाइटी, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनफाइनाइट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है फॉर पाइप्स डेट मस्ट बी ब्रोकन एट इंटरवल फॉर मेंटेनेंस द कनेक्टर शुड बी यूज्ड। यदि कोई पाइप है वो मध्य से ब्रोकन मतलब टूट जाती है तो उसको मेंटेनेंस करने के उसको जोड़ने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए है यूनियन, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी एल्बो, ऑप्शन डी रिड्यूसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनियन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है ओपन चैनल लिक्विड फ्लो इज मोस्ट कन्वेंटली मेजर्ड बाय ए। ऑप्शन ए हार्ट वायर एनीमोमीटर, ऑप्शन बी नोच, ऑप्शन सी रोटामीटर, ऑप्शन डी सेगमेंटल ऑर्फिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नोच जो है वो करेक्ट आंसर है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है द मीडिया यूज्ड फॉर क्रूड डिसाल्टिंग इज, क्रूड डिसाल्टिंग मतलब क्रूड ऑयल का डिसाल्टर में यूज मतलब डिसाल्टिंग करते टाइम हम किस मीडिया का यूज करते हैं। ऑप्शन ए गैसोलीन, ऑप्शन बी गैस ऑयल, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी डीजल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाटर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है नेफ्थेनिक एसिड इज विच टाइप ऑफ कंपाउंड, जो नेफ्थेनिक एसिड है वो किस टाइप का कंपाउंड है। ऑप्शन ए सल्फर कंपाउंड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाइड्रोक्रैकर एलपीजी नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, जो हाइड्रोक्रैकर से एलपीजी प्राप्त होते हैं उसको हम जो एलपीजी निकलता है उसको किस प्रकार के एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए एमाइन वास, ऑप्शन बी कास्टिक वास, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कास्टिक वास। तो दोस्तों यह रहा आपका 20 क्वेश्चन। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर प्राप्त हो। और यदि अभी तक इससे पहले की 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें।